अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हर जानिब एक ही बात हो रही है कि सोशल मीडिया की कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी चाहिए और हमें कौन सी साइट पे साइन अप करना चाहिए, व्हाट्सएप का मुतबादल क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस सिलसिले में दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, बड़ी अहम हैं, वो याद रखने की है। एक बात तो ये कि सोशल मीडिया अब हमारी ज़िंदगियों का लाजमी और ज़रूरी जुज़ बन चुका है, और सोशल मीडिया की अफादियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाएं कि गुज़िश्ता चंद सालों से जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल टीवी चैनल्स, वो बैकफुट पर चले गए, और प्रिंट मीडिया का तो वैसे ही अब नाम निशान नहीं रहा। तो आज आके सारी बात अब सोशल मीडिया पे ही होती है। तो इस वक्त अगर कोई कहे कि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल ही नहीं करूँगा, या मैं सोशल बायकॉट कर लूँगा, या हम इसके बगैर रहेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई कहे कि मैं आइंदा से ड्राइव नहीं करूंगा और रोड पे चलने वाली किसी भी गाड़ी पे मैं सवार नहीं होऊंगा और मैं रोड का बायकॉट करता हूं क्योंकि रोड के एक्सीडेंट होते हैं और ये एक्सीडेंट से आप देख रहे हैं नुकसान हो रहे हैं। तो इस वक्त सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है। मसला ये है कि हम सोशल मीडिया की कौन सी साइट इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप इस्तेमाल करें, फेसबुक इस्तेमाल करें, ये जो प्राइवेसी के मसाइल हैं इसमें हमें कौन सी साइट इख्तियार करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो आपको तो ये परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फेसबुक पहले ही आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है, और जो अब व्हाट्सएप के बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा है वो सब चीज़ें तो पहले ही फेसबुक पे मौजूद हैं। दूसरी चीज़, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे लेकिन फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते थे तो आपको किस पे स्विच करना चाहिए। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तरफ तो आपके हल्का अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये सब लोग जिनसे आप रबते में रहना चाहते हैं, यानी कम्युनिकेशन, और दूसरी तरफ आपकी प्राइवेसी है, अगर आप अपनी प्राइवेसी महफूज करना चाहते हैं तो आपको इन हल्का अहबाब से, रिश्तेदारों से, यानी कम्युनिकेशन से आपको हाथ धोना पड़ेगा। और अगर आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल नहीं करते और आप इन चीज़ों की एक्सेस दे देते हैं, अपनी लोकेशन की, टाइम जोन की, सिग्नल स्ट्रेंथ की, आप वाईफाई यूज़ करते हैं या आप GSM नेटवर्क यूज़ करते हैं या जो भी, अगर आप इन चीज़ों तक एक्सेस देना चाहते हैं तो फिर सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स हैं वो सब आपकी जो ये चीज़ें हैं इनको शेयर करेगी। इसमें एक और बात याद रखने की है कि बाज़ लोग ये समझ रहे हैं इस वक्त कि हमारी निजी या ज़ाती ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, या जो हमारी बातचीत है, या जो हमारी प्राइवेट गुफ्तगू है, या हमने किसी को कुछ भेजा या रिसीव किया क्या, वो भी पब्लिक की जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी पब्लिक नहीं होना, बल्कि जो आपकी आम चीज़ें हैं जैसे सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन वगैरह, इन चीज़ों को आम किया जाएगा और इसके ज़रिए से वो बिज़नेस करेंगे। और उनका मकसद बिज़नेस है, उनका मकसद आपकी ज़ात को मजरूह करना नहीं है, ना आपको वो अगवा करेंगे, ना ही आपको कोई वो नुकसान पहुँचाएँगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर व्हाट्सएप हमारा ये डाटा कलेक्ट कर रहा है या फेसबुक हमारा ये डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो फिर इसका मुतबादल क्या है, इसका हल क्या है? तो इस सवाल के दो जवाब हैं। एक तो ये कि आप स्विच करें, आप लाइन पे चले जाएं, आप वीचैट पे चले जाएं, आप सिग्नल पे चले जाएं, या टेलीग्राम, या जितने भी चैनल बताए जा रहे हैं आप उन पे चले जाएं और वो इस्तेमाल करें, आप व्हाट्सएप छोड़ दें। लेकिन फिर सवाल ये है कि आज व्हाट्सएप ने ये ऐलान किया है, अपनी प्राइवेसी चेंज की है कि वो इन चीज़ों तक एक्सेस हासिल करेगा, कल को जब ये ऐप्स आपसे ये कहेंगी कि हमें आपका डाटा चाहिए, तो इस बात की क्या गारंटी है? आज व्हाट्सएप मकबूल है तो वो आपसे कलेक्ट कर रहा है, कल को जब वो मकबूल होंगे तो वो भी आपसे इन सब चीज़ों का डाटा वसूल करेंगे, कल को जब वो मकबूल होंगे तो वो भी आपकी इन सब चीज़ों तक एक्सेस हासिल कर लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए अब आपको तय करना है, या तो आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल कर लें, या फिर कम्युनिकेशन के लिए इस चीज़ की कुर्बानी दे दें कि वो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ें लें, और आपको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मैंने तो इस चीज़ को इख्तियार किया है कि मैं व्हाट्सएप पर ही रहूँगा, और इसकी जो अफादियत है, इसके ज़रिए से जो काम हो सकता है, जो रवाबित हो सकते हैं, मैं इससे फ़ायदा उठाऊँगा, और मुझे इससे गर्ज नहीं है वो मेरा टाइम जोन ले, वो सिग्नल स्ट्रेंथ ले, वो और भी जितनी चीज़ें लेने को उसने ऐलान किया है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है।